Hello everyone, today we will be discussing about the columns. So what are basically the columns? Columns are the compression members. So compression member is a structural member which is straight and subjected to equal and opposite compressive forces applied at its end. So this member pe compressive, suppose ye kya hai, vertical member hota hai column, theek hai. Ab isme yahan se kya hoga, वर्टिकल लोड लगेगा तो ये क्या होगा, कंप्रेसिव मेंबर होगा कि नहीं होगा? जब इसमें कंप्रेसिव लोड लगता है तो हम उस मेंबर को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव मेंबर. सो इट इज अ स्ट्रक्चर मेंबर व्हिच इज स्ट्रेट एंड सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाइड एट इट्स एंड्स. ठीक है, इट मे बी वर्टिकल कॉलम और इंक्लाइंड. इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये वर्टिकल के और इंक्लाइंड भी हो सकता है. अगर इंक्लाइंड होगा तो दैट इज स्ट्रट. कॉलम is a compression member subjected to predominantly axial loading. ठीक है, compression member subjected to predominantly axial loading. उसके अलावा उसमें कोई लोडिंग नहीं है, सिर्फ axial loading. ठीक है, तो we can say that जब हमें differentiate करना हो कॉलम और स्ट्रट में, क्या है, कॉलम हमारा वर्टिकल मेंबर है बट स्ट्रेट कैन, स्ट्रट कैन बी वर्टिकल ऑल्सो. वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है. ठीक है, तो स्ट्रट और कॉलम में ये डिफरेंस है. ठीक है, सो जब जहां पे आपको कंप्रेसिव मेंबर इंक्लाइंड दिखेगा तो दैट इज स्ट्रट. ओके, सो क्रशिंग, क्रशिंग ये क्या है, देर आर थ्री मोड ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम. तीन तरह से ये कॉलम फेल हो सकता है. वन इज क्रशिंग, दैट इज ऑफ बाय यील्डिंग. जनरली शॉर्ट कॉलम फेल्स इन दैट. क्रशिंग कैसे, सपोज कीजिए कि आपके पास पेप्सी का कैन है. सो उस कैन को जब हम खाली करते हैं और उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, पूरा क्रश हो जाता है. सो दैट इज फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम ड्यू टू क्रशिंग. बकलिंग, नेक्स्ट इज बकलिंग. सो बकलिंग क्या होता है, बकलिंग इज एन इलास्टिक इनस्टेबिलिटी. जनरली लॉन्ग कॉलम फेल्स इन इलास्टिक बेंडिंग, बकलिंग और इलास्टिक इनस्टेबिलिटी. अब ये क्या हो, बकलिंग मीन्स ये कॉलम जब ऐसे बकल हो जाए. ठीक है, तो जैसे ये वाला पार्ट इधर आ जाए तो ये क्या होगा, दैट दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज बकलिंग. ठीक है, लोकल इनस्टेबिलिटी की वजह से होता है. ठीक है, जनरल लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं इसकी वजह से. ठीक है, देन कम्स द कंबाइंड, दैट इज ऑफ कंबाइंड ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग. तो दीज आर बेसिकली इन द इंटरमीडिएट. तीन टाइप के कॉलम हो गए, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम. और तीन टाइप के फेलियर आपको समझ में, वन इज क्रशिंग, वन इज बकलिंग एंड वन इज कंबाइंड क्रशिंग और बकलिंग. तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, पहली बार इक्विलिब्रियम में देखेंगे. अगर हम ये कर्व सरफेस है, ठीक है, इस कर्व सरफेस पे ये सर्कुलर स्फीयर रखा है तो क्या होगा, ये अगर इसे मोशन में आएगा तो एक जाते जाते किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, ये रिस्टोर कर सकता है कि अपनी इस पोजीशन पे आ जाए. ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अ कॉलम इज सेट टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन रिस्टोरिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मोमेंट. तो ये क्या, उसका इसको वापस आने के लिए इस पोजीशन पे ये मोमेंट जो है, दैट इज रिस्टोरिंग मोमेंट. वी कैन से एम आर इज ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मोमेंट. तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. न्यूट्रल मीन्स ये स्ट्रेट सर्फेस पे रखा होगा इस. ठीक है, नाउ नाउ जब क्या होगा, अब ये मूव होगी तो किसी एक पॉइंट पे रुक जाएगी. यू कैन से एम आर इज, अगर ये यहाँ पे सर्कुल स्ट्रेट सरफेस पे रखा है तो दैट मींस द रिस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू द ओवरटर्निंग मोमेंट. सो अ कॉलम इज सेट टू बी इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ द रिस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू द ओवरटर्निंग मोमेंट. इफ रिस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू ओवरटर्निंग मोमेंट देन दिस स्टेज इज कॉल्ड क्रिटिकल स्टेज and corresponding load is called critical load. तो इस point पे जहाँ पे हमारा restoring moment और overturning moment equal होता है, that is the critical point. ठीक है, critical stage है, क्योंकि इस point पे हम unstable भी जा सकते हैं और stable में भी हो सकते हैं. तो ये क्या है, critical point है. इस point पे जो load लग रहा है column पे, that is the critical load. Okay. Now third one is unstable equilibrium. अब ये curved sphere surface ऐसा है, तो इसमें overturning moment will be greater than the restoring.
So this is all about the types of equilibrium condition in columns. So now we comes to Euler's theory for buckling failure. अब यूलर एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरी बनाई थी बकलिंग के लिए, बकलिंग फेलियर ऑफ कॉलम्स के लिए. तो द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर इन 1757 डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम. स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया. अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरी लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग ओनली. उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग कॉलम था दैट इज फेल्स इन बकलिंग ओनली. दिस थ्योरी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस इंक्लूडेड इन लॉन्ग कॉलम एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेसेस. तो इस थ्योरी में क्या है, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन लॉन्ग कॉलम. इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं जो इन कॉलम्स में एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेसेस का इफेक्ट उन्होंने उसमें नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस. So what are the assumptions in the theory of Euler's? That first is material is isotropic and homogeneous and linear elastic which in Hooke's law is valid. तो ये तो आपको शुरुआत से हर जगह जहाँ भी जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें ये assumptions हमेशा है that material is isotropic and homogeneous. Column is slender, length column is very large as compared to the cross sectional dimension. Column is long and prismatic, EI constant. The axis of the column is perfectly straight when unload and load passes through the centroid of cross section. तो ये बहुत ध्यान से रखने वाली बात है कि the axis of the column is perfectly straight. ठीक है, column should be axially loaded only. Column fails only in buckling. Self weight of column is neglected. ठीक है. तो ये इसके assumptions होंगे. तो अब इसके लिए यूलर थ्योरी जो है उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. वो कैसे किया था, दैट इज कंसीडर अ कॉलम ए बी. अब इन्होंने ए और बी एक कॉलम कंसीडर किया है, ये एक कॉलम है, ठीक है, ऑफ लेंथ एल विद बोथ एंड्स ए एंड बी आर हिंज है. लेट पी बी द क्रिटिकल लोड एट विच द कॉलम इज जस्ट बकल्ड. एक पी लोड लगाया जिस पे कॉलम क्या हो, जस्ट बकल हो गया. कंसीडर अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स from upper end B. Let Y is the lateral deflection at section moment due to critical load P at section. ठीक है, इन्होंने एक सेक्शन कट किया x डिस्टेंस पे फ्रॉम B पॉइंट जहाँ पर डिफ्लेक्शन Y है. तो उस पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट निकालूंगा तो mx will be कैसा होगा मोमेंट. ये देखिए P यहाँ पर लग रहा है और ये x डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो क्योंकि कॉलम अब यहाँ पर चला गया, अगर यहाँ पे तो होता नहीं, तो बकल हो गया. तो यहाँ पे हो गया तो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज अब इसमें ये मोमेंट कैसा है, देखिए हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो ये हो गया माइनस पी वाई, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहाँ पे देखिए ये जो मोमेंट था ये पी लोड ऐसे लग रहा था और ये पॉइंट यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया उसके लिए, दिस इज वाई. तो ये कैसा मोमेंट दे रहा है इसको, ठीक है. तो इसको एनालाइज करने के लिए अगर एम एक्स की वैल्यू ये है तो इन्होंने डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड में से एम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई, ठीक है. अब यहाँ पे से हम ई आई को अगर वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वहां जाएगा तो अपॉन में ई आई हो जाएगा, इक्वल यहाँ आएगा तो इक्वल टू की तो प्लस इक्वल टू जीरो, इस तरह से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट इज y इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मैथमेटिक्स से निकाला है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, दैट y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई. तो जब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन, बकलिंग डिफ्लेक्शन जो हमने वहाँ पे इस पॉइंट पे निकाला.
तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अब इस इक्वेशन में हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो दैट इज यू कैन से अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू जीरो, डिफ्लेक्शन क्या है जीरो, तो उस पॉइंट से हमारा सी वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू जीरो वहां पे भी, तो वहां से सी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो सी टू की कुछ वैल्यू होगी, यू कैन से दिस सी टू इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू बची ये वाली। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लेट अस पुट दिस इक्वल टू जीरो। सी टू तो जीरो होगा नहीं, साइन ये जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो रख के देखा तो एल साइन इनवर्स उधर जाएगा तो एन फाइव, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ से निकली एन स्क्वायर फाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, तो वेयर पी इज द यूलर क्रिटिकल लोड। पी क्या है, यूलर्स क्रिटिकल लोड है। एन क्या है, नंबर ऑफ बकलिंग लूप, कितने बकलिंग लूप है उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स। अब उसके बाद आती है बात पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई। एल ई क्या है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। आई क्या है, दैट इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ फेलियर इज कंसिडर्ड इन बेसिक मोड देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम शुड बी यूज। अगर हम फेलियर कंसिडर कर रहे हैं बेसिक मोड ऑफ कॉलम में, देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम यूज करनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया दैट पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई, दैट इज द वैल्यू ऑफ यूलर बकलिंग लोड, ठीक है। और जो हमारा ये वैल्यू आई थी दैट इज द क्रिटिकल लोड, ये क्रिटिकल लोड है। यू कैन से दिस इज पी सी आर फिजिकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे एल क्या स्पैन है, ठीक है। अब ये इन्होंने कहा है एन क्या है, नंबर ऑफ बकलिंग लूप। ये बकलिंग लूप जो है ये क्या है, जो हमने यहाँ पे किया ये ऐसे बकल हुआ, ठीक है, ये सिंगल लूप हो गया। अगर डबल लूप की बात करते तो ये ऐसे बकल होता, ठीक है। ट्रिपल लूप की बात करते तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये लूप्स आते हैं, एन की वैल्यू उस तरह बनी। एन इक्वल टू वन यहाँ पे होगा, एन इक्वल टू टू यहाँ पे होगा, एन इक्वल टू थ्री यहाँ पे होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स क्या है ये, आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एनालिसिस ऑफ दी यूलर्स बकलिंग लोड, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, अजम्पशंस क्या है, तो एंड व्हाट आर दी बेसिक्स ऑफ द कॉलम। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरीज ऑफ कॉलम्स। सो थैंक यू वेरी मच।